बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ फारूक खान फ्रॉम डिस्कवर पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, एक तारीखी कॉलेज जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों ने यहाँ पे तालीम हासिल की। और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि साल 2023-2024 का जो इनके स्टूडेंट्स का डिस्प्ले है, प्रोजेक्ट डिस्प्ले आप इसको कह सकते हैं, थीसिस शो आप इसको कह सकते हैं, ये इसका इनेकाद किया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 4 साल अपनी तालीम जो है वो हासिल की, वो आखिर में अपनी जो डिस्प्ले है वो शो करते हैं, अपना काम शो करते हैं, वो जो उन्होंने जो मेहनत की है वो दुनिया को दिखाते हैं, जिसमें सारे मुल्क से लोग स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो डिस्प्ले देखते हैं। इन स्टूडेंट्स के जो वालदैन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आके यहाँ पे इनके डिस्प्लेज़ देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट, इसके अलावा कल्चर स्टडीज़ डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे अपना काम जो है वो 10-12 दिन के लिए डिस्प्ले करते हैं। तो आज यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम जितने स्टूडेंट्स हैं उनका काम आपको दिखाएंगे, उनकी मेहनत आपको दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है और उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनसे बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। Project basically started from my mother, and my mother used to wear clothes that were very cool, and I would not expect her to wear something like that. So she used to wear waistcoats, if you can see here, and then bell bottoms, and then even sarees, midriffs. So I started asking her, what were your influence, why were you dressing up a certain way? So she said it was culture of our time. And then I started looking back into her influences, why she was wearing what she was wearing, and then I was researching, I found out that Pakistan mein we do not have fashion documentation at all. So it was quite hard to find references, and I had to go to people and ask them for their pictures, and some of them would reply, some of them would not. And then I went to Punjab Public Library, and from there I found 70s Akhbar-e-Jahan and Akhbar-e-Khawateen. So there I found a very detailed references of 70s fashion, and I thought that it's a nice idea to document it so that we people like us who are designers can aid from our past, reclaim, revisit, and then produce something that is, you know, coming from our country, that is indigenous. So basically I documented 70s fashion, and some of the samples are right here. It is one of them, Bindiya. Bindiya was the fashion icon of 70s, and she used to wear these bow-like crop tops and free-spirited bell bottoms. And then we have this is a suit that is inspired from the design of Zia Mohyuddin. So Zia Mohyuddin used to wear collars like this, and then he had this very pocket detail and the bell bottoms again. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनारा है और मैं गिलगित से हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है नेविगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट ऑन आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ यंगर जनरेशन। मैंने इस पे काम किया है कि मैंने इस पे ये काम किया है कि जिस तरह बुरशेस की लैंग्वेज है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होने लगी है, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश उर्दू को देने लगे हैं, और ये जो शिफ्ट है वो बहुत वाजे हो रही है वहाँ पे। मैंने एक वीडियो बनाई है, 3 मिनट की वीडियो है, जिसमें मेरी फैमिली के 3 जनरेशन्स हैं और वो सारे एक फोक टेल बता रहे हैं। बट वो जैसे जैसे आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाते हैं, वो एक लैंग्वेज शिफ्ट उसमें नज़र आ रहा होता है। पहले मेरी नानी जो है वो बिल्कुल प्योर ब्रशेस की बोल रही होती हैं, फिर मेरी जब अम्मी की बारी आती है तो वो उसमें थोड़े थोड़े चंक्स उर्दू के ऐड कर रही हैं, और फिर जब मेरे कज़न की बारी आती है तो उसने पूरे डायलॉग्स, जो पूरे सेंटेंसेस हैं वो उर्दू में किए हैं। और फिर मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि जो लोग अपने शहर से दूर होते हैं वो कितना स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं अपने फैमिली अपने लैंग्वेज से। तो एंड में मेरी नीस है जो कि ये पूरी स्टोरी ब्रशेस की मैं नरेट कर रही होती है, और उसकी ब्रशेस की माशाल्लाह मुझसे भी बेहतर है। तो मुझे ये एक मेरा जो स्टेटमेंट है वो यही है
के जिस तरह जनरेशन्स आगे आगे जाती हैं उसी तरह लैंग्वेज शिफ्ट भी हो रहा है, लैंग्वेज मॉडिफाई भी हो रहा है. तो इसको हमें प्रिजर्व करना है. अपनी लैंग्वेज है वो आधा हमारी आइडेंटिटी है, तो अगर हम लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी और हमारी कल्चर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व रहेंगे. ठीक है, मेरा काम इंस्पायर्ड है पश्तो टप्पों से, और पश्तो टप्पे फोक सॉन्ग्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं पंजाबी टप्पों से, जो सिर्फ शादी वगैरह में गाए जाते हैं. मगर पश्तो टप्पों का ये है कि उसकी थीम्स बहुत डिफरेंट होती हैं, मतलब सेपरेशन के बारे में, वॉर के बारे में, और उसकी एसेंस भी काफ़ी डिफरेंट होती है. और जो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ वो ज़्यादातर गाए जाते हैं वो रबाब है. तो आई वॉन्टेड कि अच्छा उसका उसकी जो एसेंस है उसको एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस हम बनाएं कि बाकी लोग जो वो लैंग्वेज ना बोलते हों, ठीक है, कि उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उसकी एसेंस को फील कर सके. तो यहाँ एक इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन है और हर एक फैब्रिक को एक एक नोट असाइन है रबाब का, एक पूरे सरगम का, भैरवी राग का, के सारे गाम अपादानी सा, ठीक है. और आप जब उस फैब्रिक को टच करते हो तो उससे एक सुर निकलता है, दूसरे से करते हो तो दूसरे से रे, तीसरे से करते हो तीसरे से गा बचता है. तो इस तरह लोग इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के साथ और उसकी जो एसेंस है उसको बेहतर फील कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमान सरफराज है और मेरा प्रोजेक्ट दस्तरखान कल्चर से इंस्पायर्ड है. तो मैंने दस्तरखान के ट्रेडिशनल प्रिंट्स लेके उनके ऊपर पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी के साथ ये खाने की चीज़ें बनाई हैं, एक सेटिंग क्रिएट करने के लिए जो कि दस्तरखान की सेटिंग को रेप्लिकेट करता है. और मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह प्रिंट और खाने के थ्रू आप एक फैमिली की एसेंस देख सकते हैं और बेसिकली उन लोगों के मौजूद हुए बगैर दस्तरखान का कल्चर थोड़ा मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही थी. My name is Asnan Jamal. I am the student of Culture Studies. Today is my thesis display. My thesis topic is the sense of violence in Pashto movies from classical to modern. तो मैं पश्तो मूवीज़ के अंदर सेंस ऑफ वायलेंस उसके चेंजेस देख रहा हूँ कि उसकी शिफ्टिंग किस तरह आई हुई है. पहले जो मूवीज़ बनती थी वो हीरोइज़म और नेशनलिज्म के ऊपर बनती थी, अब वो टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है. अब जो मूवीज़ बन रहे वो सारे स्टीरियोटाइप और बहुत माइनर लेवल पे वो वायलेंस होती. तो मेरा जो बेसिकली वो थीसिस है वो उसके ऊपर है कि किस तरह की वायलेंस की शिफ्टिंग आई, उसकी पीछे वजह क्या थी. तो वो पूरा मैंने उस पर काम किया 1970 से लेकर 2022 तक जितने भी मूवीज़ बनी हुई है मैंने उस उन सारे मूवीज को उठा के उस पर काम किया हुआ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा जो प्रोजेक्ट है दैट्स अबाउट रिड्यूसिंग द पावर लोड ऑफ कूलिंग इन अर्बन एरियाज. उसके लिए मैंने मटेरियल एक्सप्लोर किया हुआ है जो कि टेरकोटा और एलजी है. और जो प्राइवेसी पार्टीशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आप देख सकते हैं वो एलजी वो टेरकोटा से बने हुए हैं. आपको पता है कि लाइक जब पानी की फ़्लो कंटिन्यूसली टेरकोटा पे होती है उससे एक तो कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है नेचुरली, और दूसरा एलजी की ग्रोथ होती है. तो एलजी की जो फूड है दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है. सो द एरिया वेयर यू कैन नॉट ग्रो एनी प्लांट और ट्री आप इस प्राइवेसी पार्टीशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक अपने फिसाद में, अपने कोई पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वगैरह उस पर लाइक बस स्टॉप में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको प्राइवेसी पार्टीशन मिल रहा है बल्कि साथ साथ में आपको कूलिंग और आपकी एयर भी प्योरीफाई हो रही है. मेरा काम गज़ल के ऊपर है, मैंने गज़ल पे काम किया है, गज़ल को मुख्तलिफ जानराज में परफॉर्म किया है, जिस तरह आजकल के बहुत कंटेम्प्रेरी जानराज है, कुछ मशहूर EDM, रॉक, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रल, मिनिमलिस्टिक एंड बैलेट पॉप, तो उसमें गज़ल परफॉर्म करने की कोशिश की है, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है जो मैं इंशाल्लाह एक महीने बाद रिलीज़ करूँगा और लोगों के सामने रखूँगा. मेरा नाम मुराद सिमी खान है और मेरा ताल्लुक जो है सवात से, और मेरा टॉपिक जो है वो गंदारा सिविलाइजेशन है जो कि सवात पे एक बहुत बड़ा पीरियड रह चुका है. और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेरा जो सारा काम है वो शालुक ही हुआ है. तो सवात में एक ऐसा गाँव है जिसका नाम इस्लामपुर है,
और उसका जो शोले पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, फेमस है। तो मैंने जो गंधारा के स्कल्पचर उसके मोटिव्स और पैटर्न उठा के जो सवाती शोले उसमें लेके आए।